गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ सेशन से इनके प्राइसेस पर प्रेशर है। इसका बड़ा कारण कमजोर वैश्विक संकेत है। MCX पर सोने की कीमतें 0.13% गिरकर 45,928 रुपये प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 1% घटकर 59,427 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करते हुए नजर आए। पिछले सेशन में गोल्ड में 0.16% और सिल्वर में 1.76% की कमी हुई थी। इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर की मजबूती से गोल्ड का प्राइस नीचे रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की इस सप्ताह होने वाली मीटिंग से पहले इन्वेस्टर्स भी सतर्क हैं। गोल्ड का स्पॉट प्राइस गिरकर 1752.66 रुपये प्रति औंस पर था। एनालिस्ट्स को फेडरल रिजर्व की ओर से मासिक बॉन्ड गोल्ड का स्पॉट प्राइस 0.1% गिरकर $1752.66 प्रति औंस पर था। एनालिस्ट्स को फेडरल रिजर्व की ओर से मासिक बॉन्ड परचेज में कमी करने की समय सीमा घोषित करने की उम्मीद है। बॉन्ड की परचेज में कटौती से सोने का आकर्षण घट सकता है। सिल्वर का रेट 0.3% गिरकर $22.33 प्रति औंस पर था। वहीं कोटक सिक्योरिटीज ने कहा है कि डॉलर के ट्रेंड के अनुसार गोल्ड में वोलेटिलिटी यानी कि उठापटक रह सकती है। इक्विटी मार्केट में तेजी के साथ ही चीन की इकोनॉमिक स्थिति का भी इस पर असर पड़ेगा। हालांकि कोरोना का जोखिम बढ़ने, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई में तेजी और वैश्विक घटनाक्रम से सोने की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्म को सोने के $1750 प्रति औंस के निकट कुछ स्थिर होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।